अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़। दिस इज़ अ मिनी व्लॉग ऑफ रमज़ान। तो जी, ये रमज़ान का लास्ट डे है यहाँ पे। अभी पता नहीं है कि चांद होता है या नहीं होता, लेकिन हम लोग निकल पड़े हैं पार्लर अपने हेयर कट के लिए। लाया ने तो बहुत इन्जॉय किया और हमने भी बहुत इन्जॉय किया इनकी सर्विसेज को। इनका जो पॉलर का स्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था और इतना कंफर्टेबल पॉलर था कि अभी तक हम जिन पॉलर्स में गए उनमें सबसे बेस्ट पॉलर ये था। बस जी, पहले मैंने कहा नायाब तुम बाल कटवा लो, तब तक मैं वेट करती हूँ, अलाया को देखती हूँ। बस जी, नायाब के जब तक हेयर वॉश हो रहा था, मैं और अलाया जो है ना पूरे पॉलर को चेक कर रहे थे। बस जब नायाब का हेयर वॉश हो गया, उसके बाद नायाब का हेयर कट हो रहा था, तो मेरी बारी आ गई। बस जी, मैं पहुंच गई हूँ हेयर वॉश पे, जबकि घर से मैं हेयर वॉश करा के आई थी, लेकिन फिर भी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि दोबारा हेयर वॉश होगा। ये अलाया चेक करें ना क्या करिए पूरे पार्लर में। बस नायाब के जो बाल कट गए तो अब मेरी बारी थी, मैं बैठ गई। अलाया देखे किस तरह देख रही है। बस नायाब का जो ब्लो ड्राई हो रहा था, ब्लो ड्राई का इतना मज़े का था। बस जब नायाब का ब्लो ड्राई हो गया, उसके बाद जी मेरी बारी थी, और ये देखें जी फाइनल लुक टेंटेड है। बस घर जल्दी जल्दी भागे, इफ्तारी करनी थी और पता ही नहीं चला था टाइम का। जल्दी जल्दी पकोड़े शकोड़े बनाए, चीज़ें फ्राई की, और ये जी इफ्तारी के बाद चाय भी ख़त्म होने वाली थी, तो कहा क्यों ना इस चांद रात को चांद रात बनाया जाए। और पहुँच गए जी जहाँ मेहंदी लग रही थी, यहाँ पर फूड क्लॉक पे सब लोग आए हुए थे, जो भी पाकिस्तानी थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, मुस्लिम, और बच्चों को भूख लगी। मैंने कहा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं जब तक हमारी बारी आती है, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी और वो पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे। तो ये नायाब की मेहंदी लगने शुरू हो गई। बस जी, नायाब की मेहंदी बहुत अच्छी लगी और हमने बहुत इंजॉय किया था इस चांद रात को। मैंने मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि बच्चे थे साथ, बच्चों को किसने पकड़ना था और फिर ड्राइविंग करनी, तो मैंने कहा मैं मेहंदी कल लगवा लूँगी, अगर चांद रात हुई भी तभी घर में रात को लगा लूँगी। बस जी, यहाँ पर ये वीडियो होता है ख़त्म, और मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।